हेलो गाइस, हम सभी चाहते हैं कि हमें सक्सेस कम से कम टाइम में मिल जाए। उसके लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है हम उसमें जल्दी से जल्दी मास्टर हो जाए। हालांकि चीज़ों को सीखने के लिए हमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम तो करना ही पड़ेगा, बट किसी चीज़ को सीखने के लिए अगर हम सही मेथड और प्रोसेस का यूज़ करें तो उस स्किल को हम जल्द से जल्द सीख सकते हैं। जोशुआ वेटकिन, जो कि अपने स्कूल टाइम में 8 बार चेस के नेशनल चैंपियन बन चुके थे और उसके बाद उन्होंने चेस को छोड़ के एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड चूज की, जो थी मार्शल आर्ट्स ताई ची च्वान। जहाँ लोगों को किसी एक फील्ड में मास्टर बनने में पूरी लाइफ लग जाती है, वहाँ इन्होंने ना सिर्फ अपनी फील्ड चेंज की बल्कि 2004 में ये वर्ल्ड चैंपियन भी बने। जोश का मानना है कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक प्रोसेस होता है, अगर आप वो सीख गए तो आप कुछ भी सीख जाओगे। तो आज हम उनके द्वारा लिखी बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग से नई स्किल्स को जल्दी सीखने के प्रोसेस और मेथड को जानेंगे। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, लूजिंग टू विन। जोश बताते हैं, जब वो 10 साल के थे तब वो अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ चेस खेलते थे, क्योंकि एडल्ट चेस कॉम्पिटिशन लंबे समय तक चलता था जिससे उनके अंदर लॉन्ग टाइम तक खेलने, कंसंट्रेशन बनाए रखने और लंबे समय तक बने रहने की स्किल्स डेवलप होने लगी। वहाँ वो हारते ज़रूर थे बट अपने से बेहतर लोगों से, जिससे उनकी स्किल्स इतनी अच्छी होने लगी कि वो अपनी उम्र के बच्चों को तो आसानी से हरा देते थे। जोश कहते हैं, जब भी वो एडल्ट चेस कॉम्पिटिशन में हारते थे तो वो अपनी गलतियों को पहचानते थे और उन्हें जल्द से जल्द इम्प्रूव करते थे, और बार बार हारने के कारण वो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होने लगे थे। अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना, ये चीज़ कहने में इजी लगती है बट इसको पहचानने में टाइम लगता है। बट खुद पर बिलीव करके अगर हम ये चीज़ करें तो हम बार बार हारने के उस साइकोलॉजी और टेक्निकल पैटर्न को पहचान सकते हैं और फिर उसे हर हाल में इम्प्रूव करना चाहिए, और ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी स्किल को जल्दी सीखने का। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग द मैक्रो फ्रॉम माइक्रो। जोश बताते हैं, जब उन्होंने चेस खेलना स्टार्ट किया था तो उनके टीचर ने उन्हें चेस खेलने का सही तरीका बताया था। वो किसी भी नॉर्मल प्लेयर की तरह नहीं खेलते थे, वो सभी पीसेस के साथ चेस नहीं खेलते थे। शुरुआत में वो सिर्फ 2 या 3 पीसेस के साथ चेस खेलते थे और उनकी हर मूव को सीखने लगे, और जब वो उन पीसेस की हर मूव्स को सीख गए तब उन्होंने और पीसेस के साथ खेलना शुरू किया और धीरे धीरे ऐसे ही सभी पीसेस को मास्टर किया, और यही रीज़न था कि वो कम उम्र में ही 8 बार चेस के नेशनल चैंपियन बन गए थे। और फिर यही टेक्निक उन्होंने मार्शल आर्ट्स में अप्लाई की और 2004 में नेशनल चैंपियन बने मार्शल आर्ट्स के। इसलिए ओथर कहते हैं कि हमें अपनी फील्ड के हर मूव को 1 by 1 पहले मास्टर करना चाहिए, बजाय सभी चीज़ों में एक साथ परफेक्ट बनने के, क्योंकि जब हम उस फील्ड के बेस को समझेंगे और जानेंगे तभी हम उसमें मास्टरी हासिल कर पाएंगे। तो सेम चीज़ आप अपनी पढ़ाई, अपने करियर या जिस भी बिजनेस या फील्ड में आप हो उसमें अप्लाई कीजिए, और तभी आप माइक्रो से मैक्रो की तरफ बढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन। जोश कहते हैं कि जब वो कॉम्पिटिशन में जाते थे तो कुछ प्लेयर्स उन्हें टेबल के नीचे से किक मारते थे, कुछ प्लेयर्स चेस बोर्ड हिलाते थे और कुछ उन्हें धीमी आवाज़ में गाली देने लगते थे ताकि वो इमोशनली डिस्टर्ब हो सके और उनका कंसंट्रेशन खराब हो जाए जिससे वो कोई गलत मूव चल दे। शुरुआत में उन्हें इन सब चीज़ों पर गुस्सा आता था कि गेम में कोई इस तरह की चीटिंग कैसे कर सकता है, पर जल्द ही वो समझ गए कि गलती उनकी है। वो ओपोनेंट के इस बिहेवियर की वजह से डर डर कर नहीं खेल सकते, उन्हें खुद पर इसके लिए काम करना पड़ेगा और इन सिचुएशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर वो ऐसे ही डर्टी प्लेयर्स के साथ चेस खेलने लगे। अब जब वो किसी इंपॉर्टेंट मैच को खेलते और उनके ओपोनेंट उनको टीज करने की कोशिश करते तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, और ये देखकर उल्टे उनके ओपोनेंट ही नर्वस हो जाते थे और कोई ना कोई मिस्टेक कर बैठते थे। इसलिए ओथर कहते हैं, आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और बुरी से बुरी सिचुएशन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, लर्न लाइक अ चाइल्ड। ओथर बताते हैं कि जब वो चेस में नेशनल चैंपियन बन गए थे तो उनके डैड ने उन पर एक बुक लिखी थी कि कैसे एक छोटा सा बच्चा चेस का नेशनल चैंपियन बन गया, और उस बुक पर एक मूवी भी बन गई जिसका नाम था
सर्चिंग फॉर बेबी फिशर, जिससे ऑथर काफी फेमस हो गए। लड़कियां उनके पीछे पागल होने लगी, लोगों की उनसे काफी उम्मीद बढ़ गई थी, जिससे वो डरने लगे और प्रेशर में आ गए और धीरे धीरे वो चेस से दूर भागने लगे और आखिर में उन्होंने चेस खेलना ही छोड़ दिया और बाद में फिर उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया। यहाँ वो कहते हैं कि अब उन्हें डर नहीं लगता था और एक बच्चे की तरह दोबारा वो गलतियां करने लगे, सीखने लगे और इस गेम में भी वो वर्ल्ड चैंपियन बने। अब यहाँ उतर ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे ड्रीम बड़े होते हैं, हम गलतियां करने से नहीं डरते और कुछ भी कर गुजरते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम लोगों के डर से, हारने के डर से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें चीज़ों को सीखते वक्त एक बच्चे की तरह खुद को ट्रीट करना चाहिए, जिससे हम गलतियां करने से ना डरे और अनस्टॉपेबल होकर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाए। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस विद द बेस्ट। जब ऑथर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनका पार्टनर एक ऐसा प्लेयर था जो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था, जिससे वो अपने एक्सपीरियंस और मूव एक दूसरे को सिखाने लगे और उनको प्रैक्टिस करने लगे। वो दोनों अपने सभी सीक्रेट मूव्स एक दूसरे को सिखाते थे, जिससे वो दूसरे प्लेयर्स की भी मूव के बारे में सीखने लगे। ये वन ऑफ द बेस्ट वे है अपनी स्किल को जल्द से जल्द इम्प्रूव करने का। फिर चाहे आप ये टेक्निक अपनी स्टडी में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ पढ़कर यूज करें या फिर अपने बिजनेस में किसी ब्रिलियंट पार्टनर के साथ बिजनेस कर गए, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे बेहतर हो और आपका भला चाहता हो और आप दोनों एक दूसरे की मदद कर सको। पॉइंट नंबर 6, वर्क ऑन योर वीकनेस। हमें हमेशा अपनी कमियों पर भी काम करना चाहिए, इससे पहले कि हमारे हालात हमें मजबूर करें उन चीज़ों पर काम करने के लिए। ऑथर जब मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे तो अपने लेफ्ट हैंड पर इतना फोकस नहीं करते थे, बट जब उनका राइट हैंड इंजर्ड हो गया तो ऑथर को अपने लेफ्ट हैंड पर काम करना पड़ा और अपने आप को लेफ्ट हैंड में भी मास्टर किया। ऑथर समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपनी स्किल्स के सब एरियाज पर भी काम करना चाहिए ताकि कोई लूप होल बाकी ना रहे और हम हर तरह से तैयार रहे। अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद ही सेल्फ इनकम के बारे में सोचो। आज के टाइम में आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, जिसके थ्रू आप अभी से सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपनी इनकम सोर्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो और सिर्फ सर्फिंग के लिए नहीं, लर्निंग के लिए भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी वीकनेस को जानकर उनको इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हो। तो गाइस, ये थे वो 6 पॉइंट जो आपको किसी भी स्किल को सीखने के लिए हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इससे कुछ नया सीख सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक या बुक पर चाहते हो। अंत में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।